फ्रेंड्स, ये कृष्ण कमल का प्लांट देखिए, इसमें फूल आया है। और ये ऑरेंज ट्रम्पेट, ये दोनों प्लांट को मैं मिट्टी में लगाने जा रही हूँ। बड़ा गैलन में है, लेकिन मैं इसको खरीद के लाई थी गेट के सामने लगाने के लिए, तो इसको अभी मैं लगाऊंगी। पॉट से खाली करूंगी पहले दोनों को, बड़ा कंटेनर में है। ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं इसी में, लेकिन मैं नीचे ही लगाने के लिए लाई थी दोनों को, ऑरेंज ट्रम्पेट और ये कृष्ण कमल। बहुत सारी कलियां हैं देखिए, इसमें फूल है दो। हालांकि इसको बरसात में रिपोर्ट करने से ठीक होता, लेकिन मैं अभी लगा दूंगी। गड्ढा करके रखी थी बहुत दिन से गेट के सामने, उसी में लगाऊंगी। तो मैं पहले इसको खाली कर लूं, फिर नीचे ले जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी लंबा है, इसके ऊपर चढ़ गया है, ये एक दूसरे में दोनों लिपट गए हैं। देखिए इतना लंबा है ये प्लांट, तो इसको खाली करती हूँ मैं। ये पर्पल हट के कुछ कटिंग्स थे, मैं इसमें लगा के रखी थी, ये भी अच्छे से हो रहे हैं। देखिए काफ़ी जड़ आ गए हैं इसमें नीचे तक, और इसमें रेत और कंकर है नीचे में, और इसके जड़ काफ़ी हो गए हैं। तो मैं थोड़ी मिट्टी झाड़ दूंगी ताकि गड्ढे में आराम से आ सके। दोनों प्लांट मैंने निकाल लिया है, देखिए कृष्ण कमल और ये ऑरेंज ट्रम्पेट। हालांकि इसमें रूट कम है, उसमें ज़्यादा फैल गया है। इसके रूट बॉल जो है, इसको तोड़ देने से, लाल मिट्टी में रहती है, तोड़ देने से इसके रूट अच्छे से फैल जाते हैं। इसको मैं तोड़ के थोड़ा लगाई थी, तो इसको भी थोड़ा तोड़ दूँगी ताकि रूट फैलने में आसानी हो। बस इतना ही, अब नीचे लेके चलती हूँ प्लांट सबको। ये देखिए, ये गड्ढा करके मैं रखी थी पहले, इसमें मैं सबसे पहले नीम के पत्ते डाली हूँ, फिर मिट्टी, फिर गोबर की खाद पुरानी सड़ी हुई। अब ये थोड़े प्याज के छिलके, आलू के छिलके, ये सब सब्जी के छिलन वगैरह इसको डाल दी हूँ। डाल के इसमें मैं थोड़ी सी साफ फंगिसाइड डाल दूंगी ताकि प्लांट के जड़ में कोई फंगस ना लगे। और इसमें मैं थोड़ी सी सिंगल सुपर फॉस्फेट भी डाल देती हूँ, जो जड़ को नुकसान पहुँचे वो भी ठीक हो जाएंगे और जड़ में ग्रोथ आ जाएगी। फिर से गोबर की खाद इसको डाल के मैं अच्छी तरह से इसको मिला लूँगी और थोड़ी नीचे दबा दूँगी। करीब 3 फीट गड्ढा की हूँ, उसी में ये सारे सब डाल दी हूँ, गोबर की खाद, सब्जी के छिलन वगैरह, मिट्टी, और इसके ऊपर से मैं थोड़ी सी फिर से गोबर की खाद डालूँगी सड़ी हुई, 2 साल पुरानी। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। अब ये प्लांट को लगा देना है इसमें। ये प्लांट जो है, इसके जड़ काफ़ी हो गए थे तो इसमें आ नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसमें का थोड़ा मिट्टी निकाल के बाहर कर दूँगी, तब ये प्लांट आराम से इसमें फिट आ जाएगी। प्लांट के जड़ में से जो मैं मिट्टी झाड़ के निकाल दी थी, इसीलिए जो चौड़ाई में इतनी छोटी है जो गड्ढा, उसी में फिट आ रही है। लेकिन लंबाई में ये 3 फीट का, 3 फीट से ज़्यादा ही है गड्ढा की हूँ करके मैं नीम के पत्ते और गोबर की खाद, फिर मिट्टी, उसके बाद आपके सामने ही सब्जी का छिलन वगैरह डाल के, फिर गोबर की खाद, साफ फंगिसाइड, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यही सब देके मैं इसको लगाई हूँ और प्लांट को देखिए रोप दी हूँ। अब इसको मैं ऊपर चढ़ाऊँगी, फिर दिखाती हूँ। और ये दूसरा वाला गड्ढा, ये चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा है, लंबाई में उतना ही है, 3.5 फीट का। तो इसमें मैं पूजा का जो फूल वगैरह निकले थे, घर के पूजा हुए थे, उसी को डाल दी थी, तो इसमें साफ फंगिसाइड डाल दी हूँ। अब मैं नीम के पत्ते डाल दे रही हूँ ऊपर से, और क्योंकि इसमें पूजा के जो सामान थे, प्लास्टिक छोड़ के सारे सामान थे, तो ये थोड़े इसमें मक्खी लग रहे हैं, तो नीम के पत्ते और मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। नीचे मैं डाली हूँ नीम के पत्ते। और ये देखिए, ऐसे केले के जो प्लांट लगाए थे द्वार के सामने, उसको भी काट काट के डाल दी हूँ, तो इसको काफ़ी अच्छा खाद मिलेगा जब ये प्लांट बड़ा होगा। तो क्योंकि ये गड्ढा चौड़ाई में ज़्यादा है, तो इसमें मिट्टी और गोबर के खाद ज़्यादा लग रहे हैं, तो और गोबर के खाद और मिट्टी डाल दी हूँ। अब मैं प्लांट को इसमें बिठा दूँगी,
ये प्लांट के जो रूट बॉल है ये फैला नहीं है ज़्यादा, फिर भी मैं इसको चाकू की मदद से इसको तोड़ दी हूँ थोड़े थोड़े, ताकि इसके रूट भी उसी तरह से ग्रोथ ले ले। जो ऑरेंज ट्रम्पेट प्लांट का ग्रोथ लिया है रूट का, उसी तरह से फैल जाएगा। तो मैं इसका रूट बॉल को तोड़ दी हूँ और इसमें फिर मैं थोड़े सिंगल सुपर फास्फेट डाल दी हूँ। अब मैं जो नीम के पत्ते के डंठल बचे थे इसको भी लगा दूंगी, इसमें से जो कड़वापन निकलेंगे उससे भी जड़ में फंगस लगने का चांसेस कम जाएंगे। अब मैं लगा के इसमें पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर के जो जड़ है छोटे छोटे वो सब दिखने लगे हैं, उसको ढकना है। तो मैं इसमें गोबर की खाद या मिट्टी से ढक दूंगी। अब दूसरा प्लांट में भी पानी डाल देती हूँ, जो मैं चौड़ाई में छोटा गड्ढा की थी लेकिन लंबाई में उतना ही है। तो इसमें ज़्यादा पानी जाएगा नहीं क्योंकि इसका चौड़ाई कम है, लेकिन ये प्लांट भी छोटी है तो इसमें लग जाएगी आराम से। इसमें दो बार पानी डाल दूंगी, अभी एक बार सूख जाएगी फिर उसके बाद मैं फिर से पानी डाल दूंगी, तो ये प्लांट अच्छे से लग जाएगी। देखिए ये प्लांट तो चढ़ाया हुआ है एक बांस के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, ये सीधा खड़ा है और नीचे में थोड़ी मिट्टी डालनी है। तो इसको पानी डाल के मैं थोड़ी मिट्टी डाल देती हूँ, और जो छोटा प्लांट है ऑरेंज ट्रम्पेट का उसमें लकड़ी नहीं लगाई हूँ, तो उसको मैं रस्सी से, इसको भी रस्सी से बांधूंगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्लांट है। तो रस्सी से बांध के आप लोगों को मैं दिखाऊंगी दोनों प्लांट को कैसे सीधा हुआ है। देखिए मैं ऊपर जाके एक एक रस्सी गिरा के, जो नायलन की रस्सी रहती है काफ़ी मजबूत है, उसी से ऊपर से बांध के नीचे गिरा के इसको ऐसे अड़ा दी हूँ। देखिए ये है कृष्ण कमल। फिलहाल मैं एक ही रस्सी लगा के इसको खड़ा की हूँ, बांधी हूँ मतलब, तो ये ज़्यादा अच्छा से मजबूती से खड़ा नहीं हुआ है, सीधा नहीं हुआ है। मैं इसके बाद में दो तीन रस्सी ऊपर से और बांध के नीचे गिरा के इसको अच्छे से चढ़ा दूंगी। तो दोनों प्लांट ऊपर जाएंगे और दीवार से सेट के ऊपर जाएंगे तो काफ़ी अच्छे दिखेंगे जब इसमें फूल खिलेंगे। तो आप लोगों को धागा दिख नहीं रहेगी क्योंकि ज़्यादा धूप है। इधर से मैं ये प्लांट को दिखाती हूँ, जो ऑरेंज ट्रम्पेट का प्लांट है इसको भी बांधती हूँ धागा की मदद से, लेकिन एक ही धागा बांधी हूँ। अभी मैं तीन चार करके धागा बांधूँगी, उसके बाद इसको आराम से चढ़ा दूंगी। जब ये ऊपर चढ़ने लगेंगे और इसमें काफ़ी अच्छे से फूल आएंगे, जो ऑरेंज ट्रम्पेट का प्लांट है उसमें फूल आती है सर्दियों में, और कृष्ण कमल तो अभी खिल रहे हैं काफ़ी अच्छे से। देखिए यही धागा है नायलन का, तो जब खिलेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं दोनों प्लांट लगा ली हूँ और ये कुछ दिन में बारिश से अच्छे से लग जाएंगे। मैं अभी जिस दिन लगाई हूँ उस दिन बारिश नहीं था, धूप था काफ़ी, तो अच्छे से वीडियो भी क्लियर नहीं आ रहा है, फिर भी मैं अपलोड कर दे रही हूँ। इसमें अच्छे से खिल रहे हैं, दोनों में अच्छे से फूल आएंगे, तो आप लोग सब शेयर करूँगी। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।